हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा और आज हम एक मार्केटिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज जो हम टॉपिक बेसिकली बात करेंगे वो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वायरल मार्केटिंग। वायरल कहाँ से वर्ड आया? वायरस से। वायरस क्या करता है? कोरोना वायरस क्या कर रहा है? फैल रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, फैल रहा है, एक बंदे से दूसरे में वो फैलता जा रहा है। ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग क्या हो रहा है? ट्रांसफर होता जा रहा है और इन्फेक्शियस होता जा रहा है। और कहाँ? चाइना से आया और पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड फैल गया। कैसे फैला? वन पर्सन टू अनदर, अनदर टू अनदर, ऐसे इस तरीके से फैलता गया। वहीं से एक कॉन्सेप्ट हम वायरस से एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो क्या है? दैट इज वायरल मार्केटिंग। अपने मार्केटिंग में ही हम वायरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, जो भी हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे जो भी है, सेल, प्रॉफिट, कुछ भी है, उसको पूरा करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, कैसे? वायरल करके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक दैट इज वायरल मार्केटिंग। तो क्या कहती है? द मार्केटिंग टेक्निक्स दैट use pre-existing social networks and other technologies to produce increase in a brand awareness or achieve other marketing objectives through sale self-replicating process. अब कैसे? जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो हम अपने प्रोडक्ट को आजकल तो वैसे भी जितना जब से इंटरनेट बढ़ा है, एक्सपैंड हुआ है, तब से क्या हुआ कि लोग यूजर्स बढ़ गए, इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए। अगर हम 5 से 10 साल पहले की बात करें तो 2G कनेक्शन था, इतने ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं थे और लोगों के पास इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, ठीक है। जैसे ही 4G आया, 4G आने के बाद एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया। रेवोल्यूशनरी चेंज क्या आया कि लोगों ने क्या किया, मोबाइल, एक तो मोबाइल यूज़र्स बढ़ गए, इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, स्मार्टफोन वैसे आ गए, ठीक है, 4G आ गए, और उस पूरे कंटेंट को, जो भी 4G कंटेंट था, ठीक है, वो 4G कंटेंट जैसे आया, लोगों ने अपनी, हम कह सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी को क्या कर दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिससे कि चाहे हम बात करें जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना मार्केट में, लोगों तक पहुंचाना थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वायरल मार्केटिंग। वायरस की तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में वो वायरस की तरह ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होती है? दैट इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है, उस टेक्निक को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? दैट इज द वायरल मार्केटिंग। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये रेवोल्यूशनरी चेंज इंटरनेट में आया, ठीक है। तो जैसे पड़ी, आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, लोग ज़्यादा हिट हो गए, कैसे हिट हुए हैं, जैसे YouTube है ना, YouTube पहले क्या था, 2G था, जैसे 4G आया, लोगों ने YouTube के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, व्यूअर्स बढ़ गए, जितने ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ गए, जैसे अभी TikTok था, TikTok में भी क्या था, यूजर्स बढ़ गए, व्यूअर्स बढ़ गए, वो भी क्या था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी सारी, Facebook के कितने यूजर्स हो चुके हैं, Twitter के कितने हैं, Instagram के कितने हैं, इनके जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, जितने भी मार्केटर्स हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि व्हाट्सएप, एक मैसेज आज डालें कि ये प्रोडक्ट है, तो वो मैसेज पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड एक जस्ट इन सेकेंड्स वो फैल जाता है। तो वो क्या है? वायरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? वायरल मार्केटिंग का। जब तक इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, तब तक ये इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं था, ठीक है, था पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि इंटरनेट की वो यूज़र्स कम थे, लोगों में अवेयरनेस कम थी, लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे थे। पर जैसे जैसे चेंजेस आई तो यूज़र्स बढ़ गए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के यूज़र्स बढ़ गए और लोगों में ब्रांड के लिए अवेयरनेस भी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ क्या कह रही है? वायरल मार्केटिंग। ये पार्ट किसका है वैसे? पार्ट है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ये मैसेज कैसे जा सकता है? वर्बली जा सकता है ना, रिटन फॉर्म में जा सकता है,
वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कि किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट की प्रेज कर सकते हो, किसी की बुराई कर सकते हो, ठीक है। वो एक मैसेज जो आपका कहा हुआ मैसेज, लिखा हुआ मैसेज, वो एकदम से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा सो थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। एक दिन में आप किसी ब्रांड को हम कह सकते हैं टॉप पे पहुंचा सकते हो, एक दिन में उसे फ्लॉप करवा सकते हो, कैसे, बाय यूजिंग दिस वायरल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर इसके चांसेस ठीक है, ये बढ़िया है, ठीक है, यूज कर रहे हैं, पर रिलायबिलिटी का कहीं ना कहीं हमेशा मुद्दा रहता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरल मार्केटिंग 6R अप्रोच, कि कौन कौन सी 6 R's हैं वायरल मार्केटिंग में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास 6 R's आती हैं किसमें, वायरल मार्केटिंग में। पहली क्या है, रेप्लीकेशन। वायरस क्या करता है, रेप्लीकेट करता है, अपने आप को रेप्लीकेट करता है। वैसे ही 6 R अप्रोच में भी क्या है, वायरल मार्केटिंग में क्या है, रेप्लीकेशन, एबिलिटी टू रेप्लीकेट। मैसेज क्या करेगा, रेप्लीकेट, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे रेप्लीकेशन होती जाती है। मतलब आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचेगा ही, क्यों, बाय कैसे पहुंचेगा, बाय रेप्लीकेशन, क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टी भी क्या है, रेप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। वैसे ही आपका मैसेज जो होगा वायरल मार्केटिंग के थ्रू, वो भी रेप्लीकेट करेगा, ज्यादा चांसेस है रेप्लीकेशन के, ठीक है। रीच, इसका मतलब जो रेप्लीकेट करेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है हर के पास, व्हाट्सएप है हर के पास, फेसबुक है हर के पास, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो रीच भी बढ़ गई, रीच भी क्या हो गई, बढ़ गई। अभी मैं देख रहा था, अभी फेसबुक पे देख रहा था, अभी कई कुछ ट्रेडर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स जो जैसे कपड़े बेच रहे हैं ना, क्लोथ्स, अभी इसी दौरान जितने भी हम कह सकते हैं शॉप्स वाले, जो बड़े बड़े शॉप्स वाले, वो फेसबुक पे आ गए, फेसबुक के अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, अपने कपड़ों को बेच रहे हैं, ठीक है। क्यों फेसबुक को चूज़ किया, क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है। तो रीच इसमें वायरल मार्केटिंग में क्या है, कि इसमें इसकी क्या होती है, रीच बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को सोशल नेटवर्किंग के जरिए बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग जितने भी साइट्स हैं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी की रीच बहुत ज़्यादा है। रेगुलर ऑडियंस, और हमें एक रेगुलर ऑडियंस मिलती है इसमें, ठीक है। हमें क्या मिल रही है, एक रेगुलर ऑडियंस मिल रही है, हमें पता है कि हमें किसको टारगेट करना है, हमें पता है किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर सकते हैं, वो रेगुलर ऑडियंस हमें मिलती रहेगी, किस पे, वायरल मार्केटिंग में। रिलायंस का मतलब क्या होगा, कि अब देखिए, अब सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू रहता है कि रिलायबिलिटी का, तो कोशिश इसमें क्या होती है कि आपको क्या देखना पड़ता है कि रिलायबल सोर्स क्या है, कि जो इन्फॉर्मेशन आई है वाकई वो रिलायबल सोर्स से है। जैसे हम देखते हैं ट्विटर पे कई बार आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्विटर अकाउंट से, अगर आती है, अगर कोई भी ट्विटर अकाउंट से, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सभी के ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, वो अपने ट्विटर अकाउंट से ही कोई ना कोई जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है अपनी देश के लिए, कंट्री के लिए, ठीक है, तो वो ट्विटर अकाउंट से डालते हैं, क्योंकि वो ट्विटर को हम क्या मानते हैं, ट्विटर को हम क्या मानते हैं, एक रिलायबल सोर्स मानते हैं, ठीक है। वो ट्विटर हो गया, वो क्या है, एक रिलायबल सोर्सेज ऑफ वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे, जो वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे उनके जरिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, एक रिलायबल सोर्स से आई है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्विटर अकाउंट, ठीक है। वैसे तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। फिर रेसिलियंस में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका वायरल मार्केटिंग जो मैसेज होता है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन नहीं है, बस जरूरत किस चीज की होती है कि इसको टीज करने की, इसको प्रोवोक करने की, ठीक है। अगर इसको आप टीज करोगे, प्रोवोक करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कहते हैं भड़काने की, उस मैसेज को बस आग लगाने की जरूरत है, अपने आप ही फैल जाता है। वायरल मार्केटिंग में क्या है, बस एक बार जस्ट उसको कहते हैं ना, आग लगा दो, अपने आप ही हो जाएगा सारा, आग लग जाएगी सारे। तो वैसे ही रेसिलियंस का मतलब भी यही सेम चलता है, कि आपके प्रोडक्ट का बस आपको प्रोवोक करने की जरूरत है, आपको टीज करने की जरूरत है, प्रोडक्ट कह रहा हूँ मैसेज होगा वो पूरे कंज्यूमर्स तक, पूरी ऑडियंस तक, पूरे व्यूअर्स तक आसानी से पहुंच जाएगा। लास्ट इज रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स भी क्या, आपको इमीजिएटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, आपके ब्रांड के बारे में, ठीक है। अगर आपका मैसेज आ रहा है तो आपको ऑडियंस तक जा रहा है, तो ऑडियंस फटाफट से वो क्या करेगी, आपको रिस्पॉन्स भी दे देगी, ठीक है, आपके यूट्यूब पे, आपके फेसबुक के, आपके जो आपको जो रिस्पॉन्स फटाफट मिल जाता है,
इंस्टाग्राम पे आपको उसी वक्त आपको मिल जाएगा कि वो ब्रांड या वो प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ होगी वो कंज्यूमर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो मतलब देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग इन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, मैं वेट करूंगा कि तभी मुझको रिस्पॉन्स मिलेगा। इमीजिएटली आप डालते हो, इमीजिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, चाहे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आप कोई चीज़ बाय करते हो, नीचे आप कस्टमर रिव्यूज देखते हो, वो इमीजिएटली क्या मिल जाता है, आपको फीडबैक मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं है। अभी यूट्यूब पे आप कमेंट्स करोगे, आप वो भी क्या है, फीडबैक है, दैट इज द रिस्पॉन्स कि आप एक्सेप्ट उस चीज़ को कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये थी हमारी 6R अप्रोच ऑफ वायरल मार्केटिंग कि किस तरीके से आप मैसेज को कंज्यूमर्स तक या व्यूअर्स तक या ऑडियंस तक पहुंचाते हो थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये था हमारा आज का वायरल मार्केटिंग का टॉपिक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी डेली लाइफ में मैक्सिमम अपना टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम या हम कह सकते हैं यूट्यूब पे जाता है तो उन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, हम चीज़ें बाय कर रहे हैं, हम चीज़ें उस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। पर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि हाँ वायरल मार्केटिंग कहीं ना कहीं इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकल के आई। ठीक है, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।